अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। अल्लाह पाक की दुआ दिल से करती हूँ मैं कि अल्लाह पाक आप सबकी सारी परेशानियाँ दूर करते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। एक छोटी सी दुआ के साथ में आज के व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी सरसों का साग, लेकर आई हूँ मैं। और बस अभी से देख आज मैं शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। लेकिन यह है कि सब्ज़ी बनाना आसान नहीं है, सब्ज़ी बनाना मुश्किल होता है क्योंकि उसे काटने में धोने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और इधर फटाफट से इधर तो मैंने दस्तरखानी लगा लिया, आराम से सुकून से काटूंगी क्योंकि किचन इतना बड़ा मेरा है नहीं, क्योंकि ये वाला काम का वहाँ पर मैं कर सकूँ इस्तेमाल। और साथ में ये छुरी और एक ट्रे भी चाहिए। लाओ इधर की तरफ बैठे हुए है ना, और जी भी हमारे वैसे तो साइड ही हो रहा है, काम कर रही हूँ मैं भी अपना है? और सबसे पहले एकदम हरा हरा साग, हेल्प चाहिए भाई, मोबाइल पकड़ना पड़ेगा अम्मा। और यहाँ पर मैं अपने बेटे से थोड़ी सी हेल्प मांग रही हूँ लेकिन लग नहीं रहा इरादा इनका हेल्प करने का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ये है हमारा साग हरा भरा, और पंजाब की तो बहुत फेमस डिश है ये भी, सरसों का साग द मक्की की रोटी। वाह भाई वाह, सुनकर इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना अच्छा लगेगा। ओ अब ये सरसों का साग देखो कैसे तोड़ूंगी मैं, ये जो है इतना है, इतना ही तोड़ूंगी बस सिर्फ, ठीक है। और बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, क्या करते हैं पहले काट लेते हैं या बाजार से कटवा के ले आते हैं फिर धोते हैं। इसके जितने विटामिन और जितने भी मिनरल्स होते हैं, मतलब जितने भी फायदे होते हैं वो सारे तो धुल के चले ही जाते हैं। तो ऐसा मत करना, आपके जब भी आप बनाओ तो इसी तरीके से बनाना। पहले मैं ये जितने डंठल वगैरह है इसे साफ करके ऐसे रख के फिर इनको धो के फिर कटिंग करूंगी। जब हम सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी का जो होती है जोश के होते क्या होते हैं अभी फायदे फायदे मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इंग्लिश विटामिन विटामिन नहीं विटामिन तो किसी प्रोटीन मतलब जो भी प्रोटीन नहीं। और ये देखो ये सिर्फ इतना ही लेना है, पत्ते पत्ते लेने हैं, और ये जो मोटा डंठल है ये नहीं लेना बिल्कुल भी। ओके। और जितने मेरे से कोशिश होती है मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना हम कुछ काम कर रहे होते हैं लेकिन हम उस काम को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ऐसा भी हो जाता है हमारे साथ में। और मेरे साथ तो खैर कई बार ऐसा होता है क्योंकि और काम का भी प्रेशर होता है। ये होता है कि अभी देखो मान लो मैंने बच्चों के लिए कुछ स्पेशल पहले बना के रख दिया मैंने, और वो काम करके ये काम मैं दिखा रही हूँ, तो वो काम मैंने दिखाया ना ये काम मैं दिखा रही हूँ, तो इसमें थोड़ा दिमाग पर प्रेशर बढ़ जाता है मेरा। बाकी चलो शेयर करना मुझे अच्छा लगता है शुरू से। ये देखो ये सारा इतना बस डंठल निकले, और इधर ये वाला ये सब है मेन पत्ते पत्ते, और ये है पालक। अभी इन्हें दोनों चीजों को धोऊंगी मैं, और हाथों हाथ काम सिमटाते हुए चलते हैं, इसके अंदर डाल दूंगी ये देखो। सर्दियों का कूड़ा और ज्यादा ही होता है, अरे ड्रोन शॉट ले रहे पापा से, ड्रोन शॉट बस करो बना दे ड्रोन बना, अभी बनाना अभी काटूंगी ना अभी छोड़। सबसे पहले लूंगी मैं तसला, उसके अंदर डालूंगी पानी, किचन छोटा होने की वजह से थोड़ी परेशानी होती है, और ये ऐसे धोना भी आसान होता है। जितने भी किरकिराहट होगी एकदम निकल जाएगी सब। और ये हाथ हाथ रखूंगी छन्ने में, ऐसे ही उठाऊंगी। Thank you.
सब्जी को बहुत अच्छे तरीके से धोना होता है, क्योंकि क्या होता है इसमें होती है किरकिराहट काफ़ी मात्रा में। अगर हम सही से नहीं धोएंगे तो किरकिराहट हमारे पेट में जाएगी और फिर क्या होता है वो किरकिराहट इकट्ठे होते होते एक पथरी की शक्ल ले लेता है। फिर इस हमारे सब्जी को खूब अच्छे से धोएं और मैं व्लॉग बनाने में इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, सच बताऊँ। देखो एक हाथ से मैं धो भी रही हूँ, एक हाथ से मोबाइल भी पकड़ रखा है मैंने। तो आपको मेरा काम पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि मेरे काम को आप आगे लेकर जाएंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और मुझे भी एक वो होगा कि हाँ मैं और भी चीज़ें करके दिखाऊँ, मैं शेयर करूँ जो जो काम मुझे आता है। इस तसले में से करके इसमें कर दिया, फिर एक बार और मैं इसमें से धोऊंगी खूब अच्छे से। धो लिया है मैंने और छन्ने में कर दिया था 5-10 मिनट ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए इसको बीच में से साइड में करके, और ये एक सा कटेगा फिर हमारा पानी। लाइवा हाँ बोलते हैं जी, और छुरी में इतनी जबरदस्त वाली धार है ना, बस मजा ही आ रहा है। और अगर खुदा ना खास्ता उंगली कट गई तो और मजा आएगा, लेकिन सच बताओ मुझे छुरी में इतनी धार चाहिए होती। खाना खाओ। हाँ ये गलत बात है, आ जाओ फिर इधर आओ मेरे पास। और मैं तो साथ साथ कुकर भी ले आई और साथ साथ इसके अंदर भी डालती रहूंगी, कुकर के अंदर ही काट काट के। बहुत आसान होता है, बस ये कि काम काम के तरीके से होता है। अगर हम करेंगे ऐसी तो हमारा काम जो होता है वो हो जाता है आसान। और ये सब्जी मैंने काट ली थी तो मैंने हाथों हाथ कुकर में डालती गई थी, गैस मैंने जला दिया है। अब इसके अंदर क्या करना है, ये लिए मैंने 7-8 लिए हरी मिर्चें, और ये हरी मिर्चें हैं तेज वाली, इसमें डालूंगा अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसमें आपकी मर्जी है, बथुआ भी डाल सकते हो, मेथी भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने जो लिया है वो लिया है साग और लिया है मैंने पालक थोड़ा सा। 1 चम्मच डालूंगी मैं नमक, ऐसे खूब अच्छे से मिला लूंगी। मिलाने के बाद में अब ले लूंगी मैं 2-3 सीटी। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, और ये देखें कुकर लगभग पूरे से थोड़ा सा कम है और ये बनने के बाद में तसा हो जाता है थोड़ा सा। और ये सीटी लेने के बाद में पूरी जो भाप है, भाप पूरी खत्म होने के बाद में जब ढक्कन खोला है मैंने, और ये अभी तो इसमें अभी कसर लग रही है, अभी इसमें 2-3 सीटी और लगाऊंगी। 1 सीटी और ली थी मैंने, और ये देखो अब हुआ है थोड़ा। और इसको खूब अच्छे से करनी है क्या, घुटाई करनी है साग की, जितनी अच्छी घुटाई हुई भी होगी उतना ही बढ़िया साग बनेगा हमारा माशाल्लाह से। और ये स्टैम्प पे मैं डालूंगी हाथों हाथ थोड़ा सा मक्के का ये आटा, और ये एकदम सब एक साथ नहीं डालना होता है, इसे डालूंगी मैं थोड़ा थोड़ा करते ही और साथ साथ में घुटाई भी करती रहूंगी ताकि कोई घुटली या कोई लम्स ना पड़े, एकदम स्मूथ बनाना है ये हमें साग, कोशिश पूरी करूंगी मैं। आई थिंक मुझे लगता है कैमरा रखना पड़ेगा थोड़ी देर,
और ये दूसरा चम्मच डाल दिया पके का आटा में, एक चम्मच और भर के डाल रही हूँ मैं, पूरे टोटल डाल दिए मैंने 3.5 चम्मच। और इसकी अभी और होगी सरसों की घुटाई खूब तबीयत से, और ये काफ़ी देर से घुटाई करी जा रही हूँ मैं ताकि खूब अच्छे से एकदम ऐसा साग बने बिल्कुल स्मूथ। बस इसमें ये घुटाई की बहुत ज़्यादा मेहनत है, वैसे तो कुल मिला के पूरे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मेहनत है, सब्जी को काटो धो बहुत ज़्यादा मेहनत है, खैर और बहुत मुश्किल से बनता है, लेकिन यह है कि कुकर में हम ज़्यादा जब गला लेंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा, वरना तो गांव में या पंजाब में तो हांडियों में बनाते हैं और हांडी का मज़ा तो अलग ही होता है। ये देखो इतनी मेहनत करने के बाद में ये मेहनत मेरी सफल हुई, जैसे मैं चाह रही थी बिल्कुल टेक्स्ट बिल्कुल सेम वैसा ही, लेकिन जितनी मेहनत इसमें बनाने में लगती है तो खाने में भी तो उतना ही मज़े का लगेगा, लेकिन ये है वो भी। और ये तो और बस खेतों में चूल्हे पे बनाओ तो बस मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ दिल्ली शहरों में इन चीज़ों का कहाँ मज़ा है, लेकिन ये देखो फिर भी बहुत बढ़िया बनाया मैंने माशाल्लाह से। और इसको ऐसे ही करूँगी मैं हल्का सा ऊपर से, और ये मक्के की रोटी बनाने के टिप्स एंड ट्रिक है, बहुत बढ़िया है ये। और इसको ऐसे करके इस पर ढक दूंगी मैं प्लेट सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए। और ये मैंने कुंडा ले लिया था क्योंकि अब बड़ा बर्तन चाहिए इसके लिए, और ये सारा मैं इस पर निकाल लूँगी खूब अच्छे से, ये मसला जाएगा आटा, ये ऐसे यूँ मुक्के नहीं लगती, इसको ऐसे करके सिर्फ यूँ हथेली की मदद से यूँ मसला जाता है ये आटा। हाँ मेरी अम्मा, और ये सारा निकाल लिया, और ये देखो जितना भी पूरा दिन का स्ट्रेस हो सारा इस आटे पे निकाल दो, और इससे देखो कितनी अच्छी बाइंडिंग आएगी, बहुत बढ़िया बाइंडिंग आएगी इसमें। क्या होता है ना इस मक्के के आटे में क्या होता है ना ऐसे मुक्के नहीं लगते इसमें, इसमें क्या होता है ऐसे करके आटे को ऐसे हथेली की मदद से होता है ये, इसको जितना अच्छा हम गूंदेंगे ना उतना बढ़िया हमारी मक्का की रोटी बनेगी। मक्का की रोटी खाना तो सबको ही पसंद है, लेकिन ये है कि बहुत मुश्किल लगता है सबों को मक्का की रोटी बनाने के लिए, लेकिन इस तरीके से बनाओगे तो बहुत ही इजी है। और जब इतना आटा मैंने गूंद लिया इस टाइम पे मैं डालूंगी 1 चम्मच ऑयल। साग में तड़के के लिए ये मैंने लिया 1 प्याज, थोड़ा सा अदरक थोड़ा ज़्यादा ही है क्योंकि अदरक का काफ़ी मज़ा आता है, और हरी मिर्च नहीं है, 6 से 8 हरी मिर्चें तीखी वाली, 1 चम्मच लिया पिसा हुआ धनिया, और ये लिया मैंने लहसुन, लहसुन भी थोड़ा ज़्यादा तो लगा क्योंकि टेस्ट जो आएगा वो इसी में से ही आएगा माशाल्लाह से। तेल हो गया गरम, और ये मैंने लिया जीरा डालने के बाद में मैं डालूँगी प्याज, प्याज के साथ साथ डालूंगी मैं लहसुन, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है लहसुन का अदरक का, और इसको खूब करना है हमें ब्राउन गोल्डन ब्राउन, जितना तड़के में मज़े की चीज़ें तली हुई होंगी उतना ही मज़ेदार सा हमारा तड़का तैयार होगा, और सरसों का साग बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगा माशाल्लाह से। साथ साथ डाल दूंगी अदरक भी, और ये हल्की हल्की प्याज हो रही है गोल्डन, तो ये भी मैं डाल दूंगी अभी ताकि प्याज भी ज्यादा डार्क नहीं करनी है, बिल्कुल एकदम गोल्डन ब्राउन करना है। और साथ साथ में डाल दूंगी हरी मिर्च, हरी मिर्चों से चटकीलापन आता है, तो
तड़के की खुशबू बड़ी ज़बरदस्त वाली आ रही है माशाल्लाह से, माशाल्लाह से मारा कहती जा रही हूँ मैं कि स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ मैं, तो कोई बस वो ना हो जाए मिस्टेक मेरे से। और ये देखो हल्का गोल्डन कलर आता जा रहा है। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर एक चम्मच पिसा हुआ धनिया। बस मैं थोड़ी सी लिए मैंने आधे चम्मच से भी एक चौथाई पीसी हुई मिर्ची और तकरीबन तकरीबन तड़का हमारा तैयार हो रहा है माशाल्लाह से। और इधर साग भी खूब धुआंधार हो रहा है, बेकरार हो रहा है। सरसों का साग के तड़का मेरे ऊपर कब आएगा और मेरी शान बढ़ जाएगी। और ये गैस का दो मैं बंद और ये तड़का डाल दूँ। वाह तड़के से तो बस ज़बरदस्त वाली खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। और साग देखो कितना बढ़िया बना है एकदम। और ये फटाफट से रख दिया मैंने तवा, बनाऊंगी मैं मक्के की रोटी और ये भी खुश्की। चलो ये कोशिश करते हैं बनाने की हम मक्के की रोटी। तो ये लिया मैंने छोटा ही पेड़ा लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये रोटी बनानी। और ये हल्के हाथ से मैं बेलूँ। ये भी इतनी भी जो ये बेल रही हूँ मैं बहुत बड़ी बात है, ये भी टिप्स एंड ट्रिक के साथ में, वरना ये इतनी भी ये नहीं बढ़ती रोटी। फिर ये देखो कितनी पतली बेली है मैंने रोटी। चलो एक रोटी तो मैंने डाल दी। और ये भी इतनी भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन हाँ मैंने इतनी भी बना ली तो काबिल तारीफ ही है, बहुत ईजी है वैसे वो। ये ना कोई काम हम करते हैं तो उसी तरीके से करेंगे ना, एक भी गलती नहीं हो तो हमारा काम वो परफेक्टली हो जाता है। और ये मर्जी, अगर आप इसके ऊपर घी लगाना चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, मैं तो फ़िलहाल ऐसे ही बना रही हूँ। तो ये खास से मैंने मोबाइल पकड़ रखा है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। लो जी पहली रोटी तैयार। और ये पहली रोटी बन के तैयार। इस रोटी के लिए तवा थोड़ा तेज होना चाहिए। और ये पता है रोटी हम मिट्टी के हांडी में भी बना सकते हैं, मिट्टी के आते हैं वो आता है तवा आता है उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन खैर फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है मेरे पास में, तो मैं इसमें ही बना रही हूँ। थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ, थोड़ी रौनक आ जाएगी। और Thank you.
और यहाँ पर लगा दे लाए बना दस्तरखान और माशाल्लाह से सरसों का साग खा के पता चलेगा और कैसा है कैसा नहीं। और थोड़ा सा और तड़के की साइड से लूँगी और इधर ये रोटी। बिस्मिल्लाह क्या होगी देखो एकदम पतली बनी है एकदम सॉफ्ट हो रही है। कुछ फर्क बिस्मिल्लाह बढ़िया हो रहा है। और ये चीज़ें पंजाब के गांव में बैठ के खाओ तो और भी लजीज लगेंगे। सरसों का साग और मक्के की रोटी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।